मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में न्याय की गुहार को लेकर महिला अपने पति सहित लक्ष्मीबाई समाधि के सामने बैठ गई धरने पर। और शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दूसरे धर्म के युवक ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह करा, अपना धर्म बदल लिया और महिला के धर्म नहीं बदलने पर ससुराल पक्ष के द्वारा उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर भी अपने मातृ धर्म पर आस्था बनाए रखने और रीति रिवाजों का पालन करते रहने पर आखिरकार ससुराल पक्ष ने उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया। बच्चों और पति सहित घर से जबरन बेदखल कर जाने से मरने की धमकी दी गई और साथ ही में वही महिला अपने परिवार के साथ लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के बाहर धरने पर बैठ गई और पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने अब तक महिला की शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं की है, बस आवेदन को लेकर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार मधु बाथम नामक महिला ने करीब 10 साल पहले बिट्टू खान से विवाह किया था। उनकी 3 संतानें हैं। बिट्टू सीधा साधा युवक है। उसने मधु से कभी नहीं कहा कि वह हिंदू आस्थाओं को छोड़ पति का धर्म अपनाए, लेकिन पति ने अपनी पत्नी की खातिर धर्म बदल लिया, जिसे लेकर बिट्टू का बड़ा भाई टीटू खान और उसकी पत्नी रेशमा, दूसरा जेठ भैया खान और साथ ही में उसकी पत्नी साइना खान, सास अनीशा बेगम देवर गोली और साथ में ननंद रीना नंदोई नदीम व छोटी ननंद निशा खान बीते सालों से लगातार धर्म बदलने के लिए उसकी पत्नी को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मधु ने 10 साल के वैवाहिक जीवन में ससुराल परिजनों से गाली गलौज मारपीट के साथ ही कई बार अश्लीलता बातों का भी सामना किया है, जहां पर हिंदू धर्म पर आस्था नहीं छोड़ी और मायके में जो पूजा पाठ करती थी वही ससुराल में भी करती रही। ससुराल जन मधु के धर्म परिवर्तन के अपने इरादे में नाकाम रहे तो सबने मिलकर मधु का सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद पति व बच्चों समेत मधु को घर से बेदखल कर दिया और इसकी शिकायत लेकर मधु जब पुलिस थाने पहुंची तो फोन पर धमकाया गया कि अगर शिकायत की तो पति बच्चों समेत जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब पुलिस बल उसे घर पर छोड़ने पहुंचा तो उनकी मौजूदगी में भी गाली गलौज और धमकियां दी गई। इसके बावजूद आरोपियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब महिला दर दर की ठोकर खाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर वह अपने बच्चे पति सहित लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर बैठ गई धरने पर। वहीं पुलिस अधिकारियों ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। क्या शिकायत है आप लोगों की? हमारी ये शिकायत है कि हमें घर से बाहर निकाल दिया, हमें 10-11 दिन हो गए घर से बाहर निकाल दिया, हमारा सामान फेंक दिया और हमने ना अपने मतलब अपनी मर्जी से शादी करी। मेरे पति का नाम बिट्टू खान है और मेरे पति मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं, मगर मेरे घर वाले अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। और उन लोगों ने, मेरे पति ने धर्म परिवर्तन अपना लिया है, मुझे भी अपना लिया है, इस चक्कर में उनने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हम दोनों को सबको हिंदू धर्म अपनाया, हिंदू धर्म अपनाया इसलिए घर से निकाल दिया। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा मधु बाथम है, मैं सरस्वती नगर मस्जिद के पास रहती हूँ। तो आप अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, अभी कहाँ बैठे हो आप? अभी मैं इधर बैठी हूँ लक्ष्मीबाई पार्क पे। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे मतलब कोई सुनवाई नहीं है। मैंने SP DSP के पास अपना आवेदन दे दिया, सबके पास दे दिया, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं है। जान को खतरा भी आप लोगों को? हाँ, मेरे को जान से, हम लोगों को सबको जान से मारने की धमकी दी है। आप पहले ही पहुंचे थे SP ऑफिस में, तब आवेदन दिया था आपने? हाँ, दिया था। क्या नाम है, कौन धमका रहा है, किसने मारा पीटा, किसने बाहर निकाला आपको? मेरे जेठ हैं और जेठानी है, नंदे बिट्टू, एक वो है भैया खान और एक टीटू खान, एक गोलू खान और एक है जे, हाँ 3 जने हैं और एक साइना खान और रेशमा खान। तो ये घर में घुसने नहीं दे रहे आप लोग? नहीं, घुसने दे रहे हैं। क्या नाम का? मेरा नाम बिट्टू खान है। बिट्टू, क्या शिकायत है? शिकायत ऐसा है कि मैं हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ, अपनी पत्नी के साथ में मैंने अपनी हिंदू धर्म अपनाया, इस कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जान से मारने की धमकी दी है। ठीक है, और है ना, काफ़ी मैं आवेदन लगा चुका हूँ, SP ऑफिस में भी लगा चुका हूँ और DI साहब के पास मैं दे चुका हूँ, वो मेरे लोग मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज मुझे 10 दिन होने को आ रहे हैं पूरे।
ठीक है। तो क्या खतरा है आपके परिवार को? परिवार को जो खतरा है मेरे को, मेरे से अभी ये बोला उन्हें मौजूदगी में, अगर घर पर कहीं पे भी मिले तो तुम जान से मारे जाओ। अगर नहीं सुनवाई आपकी होती तो क्या कदम उठाओगे आगे? अब नहीं सुनवाई होती है तो उसके आगे कदम फिर क्या उठाएंगे? हम भी फिर से यही सोचेंगे कि चलो हम भी जान से ही मरना चाहते हैं, इसलिए फिर बैठे हैं। एक महिला आई थी जिसकी 10 साल हो गए हैं शादी को, वो और उसके पति आए थे कि उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। इसकी अभी शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।